सीरियसली बताना ऑनेस्टली हाउ वाज इट आपके यार आपके भाई जो हैं जीत चुके हैं बिग बॉस अल्विश यादव काफी तमाम लोग आज उनको यहाँ देखने आए हैं और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं तो क्या कहेंगे कैसा लगा नहीं, मेरा पहला डिस्ट्रैक होगा मेरा पर्सनल बहुत पर्सनल लेवल पे डिस्ट्रैक निकाल रहा हूँ गाइस में अब तो अल्विश आई का प्रोटोकॉल बनने वाला गाइस ब्लॉग नहीं बस कैंसिल हो गया था बिकॉज भीड़ बहुत ज्यादा थी गाइस बट इस टाइम सीएम सर जी के साथ हम लोगों ने मीटअप अरेंज करा गाइस पुलिस भी बहुत है सिक्योरिटी भी बहुत है गाइस एल्विश भाई और मैं जा रहे हैं साथ में मीटअप वाली लोकेशन पे सब लोग हो चुके तैयार ऋतिका भी तैयार हो चुकी है अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ऋतिका ओके तबीयत ये पीपी के ठीक हो गई इसके लिए मैं सुबह ये लेके आया था गाइस अब जाकर के सही भी है एंड द थिंग इज गाइस मैं आपको एक और लड़की से मिलाता हूँ ये चेक करो गाइस अब मेरी बहन सच्ची में एकदम प्रोफेशनल वाली लड़की अब लग रही है तुम सच्ची में सुंदर अब तुम सुंदर दिख रही हो सच्ची में अगर इसने पहले से ऐसा कुछ करा होता ना तो आज तक इसकी जिंदगी सेट होती शादी उदी करके दो बच्चे भी होते मामा बोल रहे होते बच्चे तो प्रणा भैया के भी बच्चे होने वाले कुछ टाइम में शदाब के अब्बू जान शदाब के बच्चे होंगे बोलेंगे मामा जान चाचू जान और तुम चाची जान बाबू चाचू जान चाची जान कैसी हुई बुआ एक तो मुझे रिश्ते नहीं आते तुम बनोगी ना चाची जान फिलहाल द थिंग इज गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं तैयार होकर के सब लोग नीचे जा रहे हैं आज सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा टाइट है एंड हम उस सिक्योरिटी के साथ ही जा रहे हैं बिकॉज इंडिविजुअल चले गए और खो खा गए सुनो मेरी बात कहीं खोना मत तेरे दोस्त समझ रहे हो साथ ही रहना हाँ अगर मैं खो भी जाऊँ ना तो पीछे ऐसे हाथ पकड़ के रखना कहीं छूटना मत और तुम तो बिल्कुल मत छूटना एग्जैक्टली रेल गाड़ी छुक छुक तुम सब देख लेना मैं तुम लोगों को ऐसे पकड़ के चलूं लग रहा तुम ऐसे पकड़ के आओगे इसे लग रहा है ऐसे पकड़ पाएगी इसे कैसे भागेगी एंड गाइस चेक दिस आउट आज तो हम लोग छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट हमारी परफॉर्मेंस है गाइस स्टेज पर आज एकदम फुल पावर मेरा चश्मा कहाँ है गाइस वी आर रेडी टू गो एल्विश भाई और सब लोग तैयार हो चुके हैं निकलते हैं नीचे और चलते हैं मीटअप की लोकेशन पे ओके गाइस वी आर गुड टू गो नाउ कटारिया भाई बांट रहे हैं कार्ड वीआईपी कार्ड अरे भाई वहाँ पे प्रोटोकॉल तो ज्यादा ही कैड़ा है हो गए ना सारे मैकेनिक भाई आर्टिस्ट आज सीएम सर का फंक्शन भी हमारे साथ तो यू नो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बाउंड्रीज हैं सो वी हैव टू लाइक बी सिक्योर इनफ वहाँ पर ऐसे अनसन नहीं घुस सकते बहुत टाइट सीन्स हैं कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया ना तो सीधा चक्की जाएंगे गाइस लाले भी हाईलाइट्स मंगाते हैं और चलते हैं बेटे इसके बिना बाहर भी नहीं आ पाओगे तुम लोगों के पास ऑल एक्सेस कार्ड नहीं है गाइस मेरे पास ऑल एरिया कार्ड्स हैं मैं वॉशरूम जा सकता हूँ तुम लोग नहीं जा सकते कोई नहीं तो हम जाने के टाइम पे ही चुरा लेंगे गाइस चेक दिस आउट ऑन प्रिंस भाई आप लोगों को याद होगा फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे हाईवे पे जयपुर हाईवे पे रैंड गाड़ी से पहचाना था मैंने तो और पता है कैसे गाड़ी से कैसे पहचाना था क्योंकि मैंने प्रिंस भाई के गाने पे एक रील डाली थी कौन सा गाना था वो तोड़ पे प्रिंस भाई मिले भाई बहुत अच्छा लगा आज और सिस्टम हैंग होने वाला यस आज मैं तो करके तोड़ गा भी देंगे ना फुल पावर लेट्स गो वी आर रेडी टू मूव चलते हैं फटाफट ओके यार फाइनली हम लोग अपनी हाईलेक्स में आ चुके हैं मैं सुपरा इसलिए लेकर के नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सुपरा लेकर के आऊंगा ना तो सुपरा की धज्जा उड़नी थी सुपरा तो नहीं ला सकते यार है ना लोगों को मत दबाना बस यही दो रिक्वेस्ट है जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ सही है लोग लोग दब गए ना वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी फिलहाल अभी निकलते बाहर मैं मेरे भैया गिल गाड़ी चल चल रेल स्कूल में बेसक पास कुनी मारे आगे सारे फेल ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी वैनिटी में एंड वी हैव गॉट टू आर्टिस्ट फॉर यू टुडे संगम और दुष्यंत हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं जिन्हें नहीं पता सिस्टम संगम ने करे लिरिकली और लिखा दुष्यंत ने गाइस और गाया मैंने सिस्टम आज आज बाबू भैया करने वाले स्टेज पे सिस्टम पैड के चल ले छोरे टूर में सुनो मेरी बात
जहाँ पर मैं वीक पढ़ूंगा ना वहाँ से पीछे से पंप करने आ जाना। फिलहाल अभी हम लोग वैनिटी बैठे, शांत शांत माहौल है गाइस, तूफान से आने की पहले की शांत। और मगर तुम पीछे से वाला गाना करना है मेरा नहीं करेगा। सुनो वाला क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? एग्जैक्टली हाँ, जल्दी बोलो है या नहीं है। पब्लिक बोलेगी हटो चलो यहाँ से, अरे हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, लेट्स गो गाइस, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ क्यू, जैसे ही क्यू का नंबर आएगा वी विल गो ऑन द स्टेज। आपके दोस्त, आपके यार, आपके भाई जो हैं जीत चुके हैं बिग बॉस अलविश यादव, काफी तमाम लोग आज उनको यहाँ देखने आए हैं और आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लगा? बस भाईचारा ऑन टॉप, शुरू से वही था कि भाई गया बिग बॉस में तो भाई का सपोर्ट करना था और उसकी जीत हमारी जीत है, तो बस आज अब लास्ट हमारा मीटअप भी हो पाया था जब वो अंदर था, बट आज हम लोग सिस्टम हैंग करने वाले हैं। तो आज के लिए क्या कुछ खास तैयारी है, क्या कुछ खास करने वाले हैं? आज हम लोग अपना गाना परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम, तो जब एलविश भाई अंदर थे उनके सपोर्ट में गाना निकाला था एंड वही हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो लोगों को ना ऐसे लगता था कि हम लोग 24-25 साल के लड़के हैं, हम लोग एक अच्छा इन्फ्लुएंस करने में शायद उतने सक्षम नहीं है, बट एलविश ने एक एग्जांपल सेट करा है कि यूट्यूब इंडस्ट्री से आके लाइक ही इज इंपैक्टिंग द यूथ और द होल कम्युनिटी इन अ गुड वे, कि हाँ भाई यूट्यूबर भी बॉलीवुड लेवल तक पहुँच सकते हैं। सर, सिस्टम हैंग कर देने वाली बात जो है लगातार सुनने को मिली, क्या है ये सिस्टम, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये सिस्टम था क्या? सो सिस्टम ना बेसिकली एक कम्युनिटी थी, एक भाईचारे वाला ग्रुप था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि पहले बॉलीवुड का ना बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी पर, बट यूट्यूबर्स जब आना शुरू हुए तो फिर यूट्यूबर्स का एक अलग ही सिस्टम है, आप समझ रहे हो, मोनोपोली होती है पूरी गवर्नमेंट की, भाई एक पूरा चैनलाइजेशन काम करता है, वैसे ही हम लोग यूट्यूबर्स का एक पूरा सिस्टम है जो चैनलाइजेशन काम करते हैं, जो जो अभी सिस्टम हैंग होने वाला है स्टेज पर, बस उसी के लिए वेट करते हैं। तो हमारे साथ कलाकार अपनी परफॉर्मेंस के लिए गाइज, हम लोग वैनिटी में बैठे हुए थे और आज मेरे व्लॉगिंग का करियर खतरे में आ रहा है, क्योंकि यहाँ ना दो लोग बैठे जो अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं। सोचो, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं ऑलरेडी और जो बॉलीवुड वाले लोग हैं वो तो पैसा कमा ही रहे हैं। ये चेक करो प्रिंस भाई, ये नहीं चलेगा यहाँ पर, ये क्या है यार? मैं तेरा ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है, तू गाड़ियाँ लेता है, चेंज करता है, रेस लगाता है, लोगों से मिलता है, तो ये तो मैंने भी करना है। हाँ। तो मैं भी एक, चलो आपको तो मुझे समझ में आ रहा है भाई क्या ही है, भाई तो भाई से इंस्पायर होगा ना, भाई भाई से इंस्पायर नहीं होगा तो क्या? डीएचएच इंडस्ट्री तो हिला रखी है, अब जो ब्लॉगर्स है उनके पेट पे भी लात मारना शुरू कर दो भाई, लात नहीं मारनी, उसमें से $10 ले लेंगे। बढ़िया यार, बट भाई लोग भी यू नो लाइक व्लॉगिंग ने एक अलग ही हाइट छू ली है, सो आपके व्लॉगिंग दोनों के चैनल है क्या? मैंने भी बनाना है आज। पहले शूट हो रहा है, पहला मैं रास्ते में देख के मैं बताता हूँ, पहली बात मैंने इससे पहले 50 व्लॉग शूट किए होंगे। ओके, और पूरे रोडीज में मैंने बोला कि मैं सीरीज बनाऊंगा, मैं शुरू करूंगा, तो मेरे का सिर्फ ये होता रहा हेलो गाइस वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, उसके बाद मैं बना नहीं पाता था। मैं आज पहली बार है कि मैं पूरा व्लॉग बना पा रहा हूं, तो मैंने आप सोच लिया आज मैं जाकर चैनल वाले कौन बनाएगा। सही है गाइस, अगर व्लॉग शूट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझसे पूछिए, और रोडीज के ऑडिशन मैं ही बना के भेजूंगा अगली बार। चलो ठीक है प्रिंस भाई, वी आर गोइंग, चलो ठीक है, ओके ठीक है भाई, तारा भाई मैं नाम सोच के बोलूंगा। Let's go guys, we are ready to go on the stage, चलते हैं एकदम सिस्टम हैंग करने, let's go. Finally हम लोग जा रहे हैं स्टेज पर, और मेरे साथ दो लौंडे और जा रहे हैं, रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट, आई डोंट नो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, बट खुशी क्रिएट कर देंगे गाइस। मैं मेरे भैया गिल गाड़ी चला चला रेल स्कूल में बेसक पास को नहीं मारे आगे सारे फेल गाड़ी सारे धड़की चल रहा हूँ सबकी रुका मैं था जो सुपर आई जीरो सात की रह जो ले महारा रुका बजा चारो रे मारे अब गाना चल तेरा जोर रे तेरा जोर रे सिस्टम पैड़ का चल छोर I'm a dummy, I'm a jitty road.
बेहतरीन काम सब्र में खुश पल जय श्री राम एक वक्त था कोई पूछता न था अब जग जाते हैं ओटीटी हर का बजा चारों रे मारे अब गाना चला तेरा जोर रे तेरा जोर रे सिस्टम पैर का चला छोर तोर मा भाई साहब गुड़गांव की मोहब्बत और मैं गुड़गांव का मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अपने सारे देश के लॉन्डो की मोहब्बत सिस्टम है लॉन्डो लौंडे लौंडे। अच्छा एक चीज तो करनी बनती है भाई जय श्री राम का नारा तो लगाना बनता है इंदो एक पे पूरी आवाज आ रही थी ये जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मुझे पता भाई ब्रो अच्छा और आज एक चीज बोलना चाहूंगा पता है एलवीसी जीता है हम सब लोग जीते हैं ट्रॉफी कमिंग डायरेक्टली ऑन द स्टेज थोड़ी देर में तो सिस्टम आएंगे अनुराग भाई मिडिल क्लास लॉन्डे का शाहरुख वाला फैन बेस तो बॉयज फाइनली अपनी स्टेज एंट्री करके हम लोग पहुंचे और सिस्टम है कैसी परफॉर्मेंस थी गाइस मजा आया भाई वैसे हमारे आते हल्ला हुआ है ज्यादा मैंने तो ये देखा है ना सब उठ रहे भाई भयंकर अच्छा सब लोगों को हल्ला मचवाना नहीं आता ना सब भाई लोगों को बहुत सारा प्यार सबने सिस्टम हैंग कर रखा था गाइस फिलहाल अभी आ चुके सीएम सर एंड हम लोग जा रहे वापस होटल बिकॉज हमें पता है हमारी गाड़ी लास्ट में ना मार्क हो जाएगी हम लोग निकल नहीं पाएंगे तो अभी हम लोग हाईलक्स लेकर निकलते हैं फटाफट चलते हैं होटल की तरफ लेट्स गो ओके गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर एंड बहुत भीड़ होने वाली है बट रिवर्स ले लो नहीं निकल रिवर्स ले लो क्यों बहुत भीड़ है नहीं जाने देंगे पुलिस वाले हैं भैया निकल लेंगे निकालो यहाँ से मैप पता है मैप लगाओ होटल का So guys, finally meetup complete हुआ एलविश भाई सिस्टम हैंग आज का लाइक सीरियसली बताना ऑनेस्टली हाउ वाज इट ऑनेस्टली गाइस बहुत अच्छा था लास्ट टाइम के एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही अच्छा था लास्ट टाइम हम लोगों ने कर रही कोशिश करी बट हो नहीं पाया इस टाइम पुलिस प्रशासन ने इस बार प्रोटोकॉल सिस्टम विद प्रोटोकॉल अब तो एलविश भाई का भी प्रोटोकॉल बढ़ने वाला गाइस व्लॉग में नहीं अपने रूम में एलविश भाई से मिल करके एंड द थिंग इज मैं आपको एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बता देता हूँ हम लोगों का एक डिस आ रहा है डिस मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ इस वाले ब्लॉग में मैंने आपको कहा था ना जब हम लोग सुप्रा इंपोर्ट कराएंगे इंडिया में तो गाइस हम लोग डिस्ट्रैक लेकर के आएंगे और ये डिस्ट्रैक ना बहुत बहुत ओजी होने वाला है बहुत ओजी जिसका काम करा है हमारे संगम वैज्ञानिक भाई ने तो संगम भाई कब तक हमारा म्यूजिक और डिस रेडी दे दोगे आप जैसे व्लॉग डलेगा परसों वाले व्लॉग में गाइस गाना आ जाएगा इस वाले व्लॉग में एक लाइन डाल दूंगा एंड ये मेरा पहला डिस्ट्रैक्ट होगा मेरा पर्सनल बहुत पर्सनल लेवल पे डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा हूँ गाइस में बाकी जिन्हें पता है उन्हें पता है एक लाइन सुना दो दुष्यंत उस डिस्ट्रैक्ट की एक लाइन मेरे नाम से चलता चूला तेरा टाइटल में एक्सपोज लगा दो ये बहुत 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 बड़ा डिस आने वाला है ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं मिलते हैं आपको गाइस कल सुबह घर जाते हुए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बी सेफ एंड राइट से सिस्टम पैड का चला छोर टोर में चला टोर में हां चला टोर में गाड़ी बजाना तुम